हे गाइस, वेलकम बैक टू एचडी सुधा ब्लॉग्स। तो आज हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से GTA 5। तो कल आप लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोग ने एक गोल्ड कार चुराई थी एक सेलिब्रिटी के घर से, सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के, और फ्रैंकलिन को भी बचा लिया था डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड से। तो यहाँ हम लोग की गोल्डन कार खड़ी है, और लिबर्टी वाली फ्रेंड के शोरूम से हम लोग ने एक कार ऑर्डर की थी, वो भी इधर ही खड़ी है। तो गाइस ये देखो, ये कार नहीं, ये रेड वाली नहीं, तो ये गाइस ये खड़ी है हमारी कार। तो हम आज ये स्पीड टेस्ट भी करेंगे इस कार गाड़ी के। लेकिन एक बारी हम लोग को ट्रेवर का कॉल आया था, ट्रेवर का नहीं सॉरी लेशर का एक बारी कॉल आया था हम लोग को। तो लेशर ने कहा है कि एक नया माफिया है, अंडरवाटर माफिया, जो हम लोग से दोस्ती करना चाहता है। तो फ्रैंकलिन को पहले हम घर पे छोड़ के आते हैं, और बाद में जाते हैं हमारे नई दोस्त अंडरवाटर माफिया से मिलने, जो कि बीच पे हम लोग को लेशर ने कहा कि जिम के वहाँ मिलेगा। तो फटाफट से चलते पहले फ्रैंकलिन को उसके घर पे छोड़ देते, और इधर आगे वाली कट से शायद से सिर्फ राइट लेने हम लोग को, रॉन्ग वे चला जाता नहीं तो। फटाफट से चलते फ्रैंकलिन को अपने घर पे छोड़ के आते और जाते अंडरवाटर माफिया को मिलने। तो गाइस इधर हम गाड़ी भगाते भगाते आ गए फ्रैंकलिन के घर के पास। तो फटाफट से फ्रैंकलिन को यहाँ छोड़ देते, तो आगे वाले कट से कुछ नहीं लेना हम लोग को, और ये ठोक दिया हम लोग ने। तो फटाफट से चलते ऊपर की तरफ, और यहाँ दिखा है स्पीड लिमिट 25, लेकिन हम 40 के ज़्यादा से स्पीड के चलाएंगे। तो यहाँ फ्रैंकलिन का घर आ चुका है, तो फ्रैंकलिन को यहाँ फटाफट से ड्रॉप कर देते, और ये फ्रैंकलिन भी घर जा रहा है, क्या ही पता इसको क्या हो गया, बीच में झाड़ों की तरफ अटक गए। तो फटाफट से हम चलते बीच की तरफ जिम में, तो पहले इसको देख लेते कि ओके। तो ये फटाफट से अपने घर की तरफ गया बहुत टाइम बाद। तो चलो फटाफट से जाते हैं हमारे नई दोस्त अंडरवाटर माफिया को मिलने। तो क्या हमें मतलब हम लोग को पता नहीं है वैसे तो, लेशर ने पूरा उसका फ़ोटोज़ भेजा नहीं है। तो फटाफट से जाते उससे मिलने, और क्या ही पता वो कैसा दिखता रहेगा। तो बीच साइड जाते फटाफट से। तो गाइस यार हम गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाले झट से बीच पे। तो जाते और देखते अंडरवाटर माफिया कहाँ बैठा रहेगा, और जिम भी ढूंढना है हम लोग को अभी बीच पे जाके। तो फटाफट से पहुंच लेते पहले बीच पे, और भगाते भगाते गाड़ी। सो गाइस यार हम गाड़ी भगाते भगाते पहुंच गए बीच पे। तो फटाफट से जाते और वो जिम ढूंढते, सिर्फ आगे वाले कर से राइट लेने हम लोग को, नहीं लेफ्ट जाते क्या राइट, ओके पहले लेफ्ट जाके हम देख के आते कि कहाँ वो जिम है, और शायद से यह बीच की एंडिंग है। तो हम लोग को फिर से यू टर्न लेके राइट से जाना है। तो चलो फटाफट गाइस पीछे जाके एक बार जिम ढूंढ लेते हैं। और यह है कितने सारे लोग हैं यार, और ये आंटी जी उड़ गई ऐसे ही। तो ओके यहाँ हम लोग को जिम भी मिल चुका है, तो फटाफट से जाके देख लेते एक बारी। या एक जन पुशअप्स मार रहा है, और एक ये बंदा शायद से यही अंडरवाटर माफिया लग रहा है मेरे को, लेकिन नहीं ये उस साइड चला गया। तो गाड़ी को लॉक कर दिया, फटाफट जाते अंदर की तरफ, और इस भाई साहब को पूछते हैं अंडरवाटर माफिया या कौन है, जानता रहेगा। तो गाइस यहाँ हम लोग ने इस को पूछ लिया कि अंडरवाटर माफिया कौन है, तो हम लोग को पता चला कि गाइस अंडरवाटर माफिया यही है। तो ये कह रहा है कि लेशर को ये भी जानता है अच्छी तरीके से, क्योंकि लोग एक गोल्ड की शॉप पे मिले थे लेशर वहाँ, मतलब कि कहाँ मिले तो वो एग्जैक्टली इसने बताया नहीं, गोल्ड के कौन से शॉप बोला है इसने। तो ओके गाइस फटाफट से चलते अंडरवाटर माफिया को लेके हम लोग के माइकल के घर। तो जाते फटाफट से, अंडरवाटर माफिया भी गाड़ी में बैठने वाला है, तो ट्रेवर को भी मिला देते एक बार अंडरवाटर माफिया से, नहीं तो वो कहता है कि नया दोस्त बना लिया जूने दोस्त को भूल गया। तो फटाफट से जाते अंडरवाटर माफिया को लेके ट्रेवर के घर। तो यहाँ अंडरवाटर माफिया भी बैठ चुका है हमारे कार में, तो फटाफट से चलते माइकल के घर, और ट्रेवर को भी वहाँ बुला लेते। तो ट्रेवर को भी वहाँ बुलाने के बाद हम अंडरवाटर माफिया और ट्रेवर के भी दोस्ती करवा देंगे। तो फटाफट से चलते हैं माइकल, गाड़ी भगाते भगाते हम पहुँचने वाले माइकल के घर। तो फटाफट से चलते, और यहाँ आगे वाले माइकल का घर सामने है, सिर्फ आगे वाले गेट से हम लोग को अंदर जाना है। तो फटाफट से चलते ऊपर की तरफ, आ चुका है, और ट्रेवर को अभी ढूंढना पड़ेगा, वो चल के वैसे गाड़ी से आया टैक्सी से।
ट्रेवर, ओके तो ट्रेवर यहाँ आ चुका है, तो फटाफट से चलते हैं गाड़ी पार्किंग को लगाने के लिए। और वही लगा जैसे जहाँ से गाड़ी निकाली थी, तो अंडर वाटर माफिया और ट्रेवर को भी जल्दी से मिला देते। तो चलो गाइस फटाफट से, तो यहाँ हम गाड़ी पार्किंग को लगा दिए और यहाँ अंडर वाटर माफिया और ड्राइवर की भी बातें हो गई है ख़त्म। तो अंडर वाटर माफिया भी यहाँ फ़ोन कॉल पे बिज़ी हो गए और ड्राइवर भी हमें कह रहा है कि ओके, तो ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन गए और ये कह रहे हैं कि अभी कौन सा भी मतलब हाईस्ट रहेगा तो अंडर वाटर माफिया को लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी क्या ही तगड़ी है। तो ट्रेवर कह रहे हैं कि मुझे उसको भी वैसी बॉडी बनानी, तो फटाफट से चलते हैं। और यही एक बारी हम लोग को लेस्टर का भी कॉल आया था, लेस्टर कह रहे हैं कि फटाफट से अंडर वाटर माफिया और ट्रेवर को हम लोग को उस लोग के मतलब घर छोड़ना पड़ेगा। और उससे पहले एक काम दिया है लेस्टर ने हम लोग को कि एक सेलिब्रिटी आया है कौन से, तो मतलब गूगल मैप पे वो हम लोग को मार्क करवा के देगा लेस्टर। वो सेलिब्रिटी का जाके हम लोग को गोल्डन लिमोजिन चुरानी है। तो गाइस आपने कल ही देखा रहेगा कि हम लोग ने एक गोल्ड कलर की कार चोरी की थी, तो आज फिर से हम लोग को गोल्डन लिमोजिन चुरानी है। तो गाइस अभी तो गोल्ड ही गोल्ड है हम लोग के घर पे, एक गोल्डन कार फिर से गोल्डन लिमोजिन। तो फटाफट से चलते लेशर के दी हुई लोकेशन पे और देखते हैं वहाँ कौन सेलिब्रिटी आया हुआ है। तो फटाफट से हम पहुँच गए लेशर के दिए हुए लोकेशन पे और यहाँ हम लोग एक आगे से यू टर्न लेके देखते कि लिमोजिन किधर है, और यहाँ तो लिमोजिन दिख रही है नहीं। तो आगे जाते हैं ज़रा सा और सिक्योरिटी है शायद से आगे की तरफ। तो ओके गाइस यहाँ सिक्योरिटी भी और गोल्डन लिमोजिन भी खड़ी है। तो फटाफट से हम फिर से एक बार यू टर्न लेके चलते हमारे, और ये लोग को बताते हैं ऐसे कि हम लोग यहाँ आए मतलब जा रहे थे, हम सिर्फ यू टर्न लेने आए थे। तो फटाफट से जाते हैं पीछे की तरफ और आगे से राइट लेके डायरेक्ट पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फटाफट से चलते ये लोग को मारने के लिए और गोल्डन लिमोजिन चोरी करने के लिए। गाइस मैंने ड्राइवर और अंडर वाटर माफिया के हाथ में एक एक SMG थंबा दी है कि अगर कुछ भी उधर सीन हुआ तो हैंडल करने के लिए। तो फटाफट से चलते सिक्योरिटी गार्ड्स के इधर गेंग चुप चुप के जाएंगे। तो ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया शायद ओके, तो पीछे भी आ रहे हैं वो लोग दोनों। तो फटाफट से चलते और यहाँ वॉल का पहले कवर ले लेते हैं एक बारी और प्लान बोल देते हैं ये लोग को। अंडर वाटर माफिया सामने से आ रहा है और ट्रेवर का अता पता नहीं कहाँ ही रह गया, क्या ही पता, एकदम अपना अटैक तो करने नहीं गया। तो ओके यहाँ ट्रेवर भी आ चुका है और ये दो एक दूसरे को मारने लग गए गाइस मस्ती मस्ती। तो इन लोग को भी पता चल गया है, तो फटाफट से सब लोग को भी मार देते। तो ओके गाइस यहाँ दो तीन बंदे को तो मार दिया है और पीछे वाले बंदों को ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया संभाल रहे। तो यही सभी बंदे को ऑलमोस्ट मार दे ओके, और ये लिमोसिन के पीछे से एक टकला मार रहा था क्या ही पता। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को मारते हुए बैठ गए थे स्टार्टिंग में, तो यार सबको सब लोग को मार दिया है। तो ये ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया भी पीछे पीछे आ रहे, तो फटाफट से चलते और देखते कौन सेलिब्रिटी ऐसा आया है जिसके पास गोल्डन लिमोजिन है। और चलो फटाफट से पीछे की तरफ चलते। तो यार अंडर वाटर माफिया और ट्रेवर भी हमारे पीछे आ रहे देखने के लिए, और उन लोगों ने कहा है कि अगर वो जो भी ये रहेगा जो सेलिब्रिटी रहेगा उसे भी पकड़ के हम लेके जाएंगे और उसे सारा कैश भी चोरी कर देंगे। तो यही शायद से वो बेटा था ओके, तो या क्या ही लगा रखा है वो बीच वाला सैंड वाला ये लगा के रखा है। तो फटाफट से चलते हमारे लिमोजिन के अंदर जाते माइकल के घर एक बारी और लगा देते लिमोजिन पार्किंग को। तो फटाफट से चलते और या ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया भी बैठ गया पीछे के सीट पे। तो गाइस ऐसे आगे वाले कट से राइट लिया, हम लोग को सीधा सीधा भगाना है माइकल के घर की तरफ, और वो जो सेलिब्रिटी है वो हम लोग के हाथ से बच गया क्योंकि अंडर वाटर माफिया ट्रेवर और मेरा हम लोग का प्लान चालू था कि जाके मतलब वो जो भी है उसको सेलिब्रिटी को फॉलो करके हम जाके उसकी पूरा मतलब उसका पूरा घर लूट लेंगे, पूरा जो कैश पड़ा रहेगा उसके घर पे, जो गोल्ड पड़ा रहेगा। तो इन लोग ने लेस्टर ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो कुछ ज़्यादा ही अमीर आदमी, और ये इंटीरियर गाड़ी का भी बहुत सही है। तो फटाफट से चलते माइकल के घर के तरफ, वैसे तो वो सेलिब्रिटी हम लोग के हाथ से छूट के बच चुका है।
तो गाइस यार गाड़ी भगानी पड़ेगी, नहीं तो जीपीएस शायद से लगा दिया है बैनी। हम बैनी को बोल के हम लोग रिपेयर करवा देंगे गाड़ी और जीपीएस हटवा देंगे। तो फटाफट से हम गाड़ी भगाते हुए ठोक ठोकते हुए पहुँचने वाले माइकल के घर, सिर्फ आगे वाले कट से हम लोग को गेट के अंदर घुसना है। ओके तो या फटाफट से अंदर घुसा लेते एकदम संभाल के। तो गाइस हम लोग में एक अलग ही टैलेंट है गाड़ी चलाने की, लिमोजिन। तो फटाफट से चलते अंदर की तरफ और गाड़ी एकदम पार्किंग को लगा देते और फटाफट से जाते हैं अंदर की तरफ, हम लोग के घर के अंदर की तरफ, और ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया को भी उन लोग के घर जाने देते। तो गाइस इधर तो गैराज में ये गाड़ी हम लोग की लिमोजिन घुसेगी नहीं, तो उस साइड हम लोग ने हमारी नई कार भी उधर खड़ी कर रखी, तो उधर भी खड़ी नहीं कर सकते। तो गाइस मेरे ख्याल से इधर ही पीछे ही खड़ा करना पड़ेगा हम लोग को कार। तो फटाफट से प्यारा सा टर्न लेके हम गाड़ी यहाँ ही खड़ी कर देते। तो गाइस या संभाल संभाल के एकदम पीछे के साइड जाते और ज़रा से ठोक गए गाइस पीछे के साइड, तो ज़्यादा सीखा नहीं हमें इतने भी गाड़ी। तो फटाफट से इधर गाड़ी पार्किंग को लगा लेते और ड्राइवर और अंडरवाटर माफिया को भी घर पे जाने देते। तो ओके गाइस वो दोनों शायद से अंदर ही बैठे, वो लोग चले जाएंगे घर पे। तो जाते ओके, तो अभी ड्राइवर और अंडरवाटर माफिया भी है उनके घर निकल गए। तो फटाफट से हम जाते घर के अंदर और देखते करेला का जूस पीना है पहले, और ये एक अलग ही मेड़े क्या ही पता, पूरा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ती रहती है। तो फटाफट से अंदर जाते और हमारे कपड़ा भी चेंज कर लेंगे फटाफट से। या हम लोगों ने हमारे कपड़े भी चेंज कर लिए और फटाफट से नीचे जाके हमारे करेले का जूस भी पी लेते, क्योंकि हम लोग ने सुबह से पिया नहीं है करेले का जूस। तो ओके तो यह बन के रेडी है। तो गाइस यह करेले का जूस बन के रेडी और फटाफट से हम पी लेते। और लेशर का भी एक बारी कॉल आया था गाइस, और वो कह रहा था कि अंडरवाटर माफिया और शायद दकन बॉस मिले हुए, क्योंकि अंडरवाटर माफिया का एक बार मतलब अंडरवाटर माफिया और डगन बॉस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फटाफट से जाते और अंडरवाटर माफिया को भी ढूंढ लेते। तो लेस्टर कह रहा है कि अंडरवाटर माफिया का भी फ़ोन भी ट्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसने शायद से फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके रखा है। तो फटाफट से चलते और अंडरवाटर माफिया को ढूंढते। और लेस्टर ने ये भी कहा है कि फटाफट से जाओ उस बीच के जिम के पास, वहाँ गया रहेगा, नहीं तो किसी अपने दोस्त के पास जा उस सीक्रेट बंकर का इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अंडरवाटर माफिया और जो डगन बॉस है वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके लिए हम लोग का जो सीक्रेट वाला बंकर में जो हम लोग ने गोल्ड छुपा के रखा है और जो गोल्डन मंकी छुपा के रखा है, शायद से उसके इन्फॉर्मेशन के लिए अंडरवाटर माफिया हम लोग के पास आया रहेगा, डगन बॉस ने उसको भेजा रहेगा। तो फटाफट से पहले स्पीड टेस्ट एक बार ही कर लेते, क्योंकि गाड़ी का भी स्पीड टेस्ट हम लोगों ने की नहीं थी बहुत टाइम, मतलब कल ली थी गाड़ी और स्पीड टेस्ट भी नहीं की थी। तो फटाफट से चलते और ये सिनेमेटिक मोड के चक्कर में हम लोग ने यह गाड़ी ठोक दी। तो फटाफट से चलते एयरपोर्ट की तरफ और जाते और स्पीड टेस्ट भी एक बार ही कर लेते। या हम गाड़ी भगाते भगाते पहुँचने वाले एयरपोर्ट की तरफ रॉन्ग वे लेके, और ये रॉन्ग वे चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। उस दिन भी ऐसे ही ठोका था गाइज हम लोगों ने। तो फटाफट से जाते एयरपोर्ट के अंदर, और क्या ही पता एयरपोर्ट का ये सिक्योरिटी वाला गेट खोलेगा क्या नहीं, तो वो गेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी गाइज, डायरेक्ट हम लोग उसके ऊपर से ही आ गए। तो ये गेट ओके, ये गेट खुल चुका है। और फटाफट से जाते लेफ़्ट की तरफ और यू टर्न लेके जाते हमारे स्पीड टेस्ट करने के लिए गाड़ी की। तो फटाफट से लेते एक छोटू सा ड्रिफ्ट प्यारा सा। तो ओके गाइस जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट ले लिया है तो फटाफट से चलते और स्पीड टेस्ट एक बारी कर लेते। तो गाइस ये गाड़ी कुछ ही सेकेंड में 100 की स्पीड टच कर लिए और 150 भी। तो फटाफट से जाते आगे की तरफ और 180 की स्पीड टच कर लिए भाई इस गाड़ी ने। तो ओके गाइस तो ये गाड़ी कम से कम 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर ली है, और यही क्या ही ड्रिफ्ट। तो गाइस फटाफट से अभी चलते एयरपोर्ट के बाहर और जाते अंडरवाटर माफिया को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सब जो बंकर का जो सीक्रेट है जिसमें गोल्ड छुपा है, वो जो सीक्रेट बंकर है
वो सिर्फ चार जनों को पता है वो जगह, लेशर, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और हम, मतलब माइकल। तो गाइस माइकल तो अंडरवाटर माफिया का दोस्त बन गया, फ्रैंकलिन को अभी तक मिला है नहीं अंडरवाटर माफिया से, तो शायद से उसके घर भी गया रहेगा। तो गाइस यहाँ से चले जाते फटाफट से, और यार गो, और अरे यार गाइस ये गेट भी नहीं खोल रहा ये बंदा, क्या ही सिक्योरिटी है। ओके तो शायद से हम गलत साइड से जा रहे हैं बाहर, ये एग्ज़िट का दरवाज़ा इस साइड है। तो चलो फटाफट से जाते हम एग्ज़िट करते एयरपोर्ट और जाते अंडरवाटर माफिया को ढूंढने। सबसे पहले हम जाते बीच के तरफ, जाई वो जिम था उधर ही जाके पहले देख लेते एक बारी। तो फटाफट से गाड़ी भगा के लेके जाते जिम की तरफ, और यहाँ आगे से बहुत दूर है वैसे गाइस, यहाँ से वो जिम भी सीधा सीधा ही जाने का हम लोग को, आगे वाले कट से राइट सॉरी लेफ्ट लेके हम लोग को जाना था, तो यार ठोक दिया फिर से। तो फटाफट से चलते बीच की तरफ। तो यार हम गाड़ी भगाते भगाते पहुँच गए बीच की तरफ, और यहाँ पहले एक बार ये रेडियो भी ऑफ कर लेते और जाते डायरेक्ट वो जिम ढूंढने के लिए। आगे की तरफ जिम ढूंढना नहीं है वैसे, जाना है। और यार कोई तीन चार लड़के लोग शायद से खड़े थे, उन लोग को बहुत बुरी तरह ठोक दिया है, और यार रहते ही इतने बंदे। तो गाइज यार शायद से अंडरवाटर माफिया नहीं है, नहीं तो ये जिम में रहता था। तो आगे वाले जिम भी है बाकी, तो वहाँ जाके एक बारी देख लेते। तो गाइस ये साइड भी अंडरवाटर माफिया नहीं है, लेकिन ये साइड बहुत जिम वाले बहुत बॉडी बिल्डर्स लोग है। तो फटाफट जाते पहले फ्रैंकलिन के घर की तरफ, क्योंकि ट्रेवर के घर की तरफ तो अंडरवाटर माफिया जाएगा नहीं, क्योंकि अंडरवाटर माफिया और ट्रेवर की तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, और अंडरवाटर माफिया अभी तक फ्रैंकलिन से मिला नहीं है। तो फटाफट जाते फ्रैंकलिन के घर के पास और देखते अंडरवाटर माफिया उधर है क्या नहीं, और क्या मतलब समझो हम लोग को उधर मिल भी गया तो क्या कर रहा है। तो गाड़ी हम लोग भगाते भगाते पहुंच गए फ्रैंकलिन के घर के पास। तो गाइस इधर ओके, तो अंडरवाटर माफिया भी इधर ही खड़ा है और फ्रैंकलिन भी इधर ही है, तो ये दोनों इधर ही खड़े। तो वीडियो को हम इधर ही एंड करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।